हेलो बच्चों आज मैं आपको क्लास एट जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी एसे वर्कशीट नंबर थर्टी नाइन कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास सेवनटीन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आज की वर्कशीट में हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे लास्ट वर्कशीट में हमने मोनोमियल बाइनोमियल पॉलिनॉर्मियल क्या होता है और लाइक like और अनलाइक टर्म्स क्या होता है ये सब जाना था ठीक है चलिए देखते हैं आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो यहां पर लिखा है टुडे वी विल डिस्कस एडिशन एंड सब्टन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले यहाँ आप पर आपको एक टेबल दे रखी है तो अगर आपसे नॉर्मली बोला जाए कि वन में वन को प्लस करो तो आप प्लस करके बता सकते हैं क्योंकि आपको प्लस करना आता है उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास चार फोर मैंगोज हैं और सेवन मैंगोज हैं तो बताओ टोटल कितने मैंगोज हैं तो भी आप करके बता सकते हो फोर प्लस सेवन आपके पास मैंगो आप है और सेवन पेंसिल है अलग अलग तो बताओ टोटल कितनी पेंसिल है तो टोटल आपके पास 15 है. तो आपने उन्हें ऐड कर दिया फिफ्टीन पेंसिल है लेकिन अगर फोर तो प्लस कर सकते हैं नहीं क्यों क्योंकि यहां पर पहले मैंगोज की बात हुई और उसके बाद पेंसिल की बात हुई तो आप मैंगोज़ के अंदर पेंसिल को या फिर पेंसिल के अंदर मैंगोज़ को तो ऐड नहीं कर सकते तो हम इसको प्लस नहीं कर सकते तो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की कि जो सेम चीज़ें होती हैं हम सिर्फ उन्हें ही ऐड कर सकते हैं और जो अलग अलग चीज़ें होती हैं हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते है ना दोनों में मैंगोज था तो हमने ऐड किया दोनों में पेंसिल्स था तो हमने ऐड किया लेकिन जब मैंगोज़ और पेंसिल एक साथ बात हो गई तो हम उसे ऐड नहीं कर पा रहे वही चीज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होती है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर सिर्फ सेम टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं जो हमारी लाइक टर्म्स होती हैं और लाइक टर्म्स थी कौन सी लाइक टर्म्स तो वो थी ना जिनके वेरिएबल सेम होते हैं है ना तो हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं और लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अनलाइक टर्म्स को ना हम ऐड कर सकते हैं ना हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ठीक है जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि फोर एक्स वाई प्लस सेवन एक्स वाई तो क्या आप इसे ऐड कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं इनके वेरिएबल्स सेम है तो यहाँ लेवन एक्स वाई आ जाएगा लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ फ़ोर एक्स वाई में आप फोर एक्स को ऐड करो तो क्या अब आप ऐड कर सकते हो नहीं क्यों क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है यहाँ का वेरिएबल और यहाँ का वेरिएबल डिफरेंट है तो ये आप ऐड नहीं कर सकते है. सेम ऐसे ही केस सब्ट्रैक्शन का होता है ठीक है चलिए यहां पर कुछ और एग्जाम्पल दिए देखो यहां पर जैसे थ्री ए बी प्लस इलेवन ए बी दोनों लाइक like टर्म्स है एड किया तो फोर्टीन ए बी आ गया ठीक है थ्री एच डी माइनस फाइव एस डी दोनों ही लाइक like टर्म्स है क्योंकि दोनों का वेरिएबल एच डी है तो थ्री में से फाइव गया तो माइनस टू और एस डी ही आ जाएगा सेवन एफ जी और एट एफ जी ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो सेवन प्लस एट फिफ्टीन आ जाएगा ठीक है उसके बाद फोर ए एस सिक्स एफ जी और सेवन ए एस आप देख रहे हो ये दोनों तो लाइक like टर्म्स है क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल सेम है तो फोर प्लस सेवन इलेवन हो गया लेकिन सिक्स एफ जी ये अलग है तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते नहीं कर सकते ना तो उसको मैंने यहां पर ऐसे ही लिख दिया यहां पर सिक्स आएगा सिक्स एफ जी सिर्फ लाइक टर्म्स ऐड होंगे ठीक है चलिए उसके बाद आप क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर वन में आपसे क्या कह रहा है आपको ऐड करना है तो यहाँ पर आपको दो आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं और इनको ऐड करना है तो देखो कैसे करेंगे सबसे पहले आप पहला एलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दो सिक्स सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन ठीक है अब जो आप दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे ना तो जो सेम वेरिएबल वाले हैं ना उसको उसी के नीचे लिखना जैसे एट एक्स है तो उसे एक्स वाले के नीचे ही लिखो सेवन वाई है अब देखो वाई वाली तो यहाँ कोई टर्म ही नहीं है तो आप उसको साइड में अलग से लिख दो प्लस का फोर है तो यहाँ सेवन के नीचे लिख दिया इसके नीचे कुछ नहीं आप ज़ीरो लगा लो इसके ऊपर कुछ नहीं आप यहाँ जीरो लगा लो प्लस का साइन लगाओ ऐड कर दो तो सेवन वाई सेवन प्लस फोर हो जाएगा आपके पास इलेवन सिक्स प्लस एट हो जाएगा फोर्टीन और सेवन एक्स स्क्वायर ऐसी तो ये लो ये आपका आंसर क्लियर चलिए एक सब्ट्रैक्शन का भी दे रखा है वो भी देखते हैं आपसे कह रहे हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन के केस में जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर होता है वो हम पहले लिखते हैं है ना तो चलो पहले उसको ही लिख लेते हैं यहाँ पर तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स वाई काफी बड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये ठीक है तो थोड़ा इधर से इसको लिखते हैं यहाँ पर इसको हटा देते हैं हम और यहीं पर ही लिख लेते हैं देखो तो यहाँ पर मैंने लिखा फोर एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स वाई माइनस का सेवन जेड एक्स प्लस का फाइव प्लस का एट वाई स्क्वायर ठीक है अब फ्रॉम से पहले वाला नंबर देखो एट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के नीचे हमने एट लिख दिया एट एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स वाई तो ये रही आपके पास वो टर्म प्लस का सिक्स एक्स वाई ठीक है प्लस का सेवन जेड वाई तो ये कोई टर्म ही नहीं है यहां पर ठीक है ना तो यहां आपको देखो क्वेश्चन में यहां सेवन जेड एक्स ही लिखा है तो हम इसको x ही मान लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं ठीक है माइनस का फाइव वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे ही लिखना और प्लस का नाइन है तो यहां पर लिख दिया क्लियर अब एडिशन में तो हमने सीधा ऐड कर दिया लेकिन सब्ट्रेक्शन में ऐसा नहीं होता आपको इसमें क्या करना पड़ेगा पहले आपको इसमें साइन चेंज करने पड़ेंगे अब वो आप कैसे करोगे साइन चेंज देखो प्लस यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस 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 माइनस ठीक है ध्यान रखना जो आपने नीचे यहाँ पर ये वाले जो एलजेब्री एक्सप्रेशन लिखा है ना इसका अपोजिट साइन आपको लगाना है जैसे यहाँ पर माइनस था तो प्लस लग गया प्लस था तो माइनस आ गया प्लस है तो माइनस आएगा प्लस है तो माइनस आएगा एट के आगे कुछ नहीं है प्लस है तो माइनस आएगा हमेशा नीचे वाली जो लाइन होगी ना उसका अपोजिट साइन लगेगा ठीक है अब जो ये आपने साइन लगाए हैं ना ये सारे साइन इन इस वाले के हो गए हैं मतलब कि अब फाइव वाई स्क्वायर प्लस का हो गया है पहले माइनस का था ना अब प्लस का हो गया उल्टा हो गया है ठीक है तो एट वाई स्क्वायर में फाइव वाई स्क्वायर प्लस करोगे तो थर्टीन वाई स्क्वायर आएगा क्लियर है प्लस ऐसी है प्लस का फाइव और माइनस का नाइन माइनस का फोर हो जाएगा माइनस का सेवन जेड एक्स और माइनस का सेवन जेड एक्स माइनस का फोर्टीन जेड एक्स हो जाएगा ठीक है माइनस का सेवन एक्स वाई और माइनस का ही सिक्स एक्स वाई तो माइनस का थर्टीन एक्स वाई हो जाएगा याद रखना साइन नीचे वाले हो गए हैं आप सारे। स्क्वायर प्लस का है और एट एक्स स्क्वायर माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये आपका आंसर तो के केस में आपको साइन भी चेंज करना है एडिशन के केस में तो सिर्फ एड करके छोड़ देना है क्लियर हो गया चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं अपने क्वेश्चंस आपको टोटल सिक्स क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनमें कुछ एडिशन है और कुछ सब्ट्रैक्शन है तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चन एडिशन वाले तो आसान है सब्ट्रैक्शन वालों में क्या है बस साइन को चेंज करना है और कुछ नहीं करना है ठीक है चलो यहाँ शुरू करते हैं फर्स्ट है ऐड करना है सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा फाइव एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स वाई प्लस का सेवन वाई जेड और प्लस का एट ठीक है अब एट एक्स स्क्वायर तो मैंने यहाँ लिख दिया एट एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स वाई प्लस का सेवन वाई जेड और माइनस का नाइन है ठीक है अब सिर्फ ऐड करना है प्लस एट माइनस नाइन माइनस वन बचेगा नाइन में से एट जाएगा वन बचेगा और माइनस का सेवन प्लस सेवन फोर्टीन हो जाएगा फोर्टीन वाई जेड आ गया यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर है नाइन माइनस का और सिक्स प्लस का है तो माइनस का थ्री आएगा एक्स वाई ऐसे ही रहेगा एट और फाइव कितना हो जाएगा थर्टीन हो जाएगा और एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का क्लियर तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर वन चलिए अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर तो यहाँ भी आपको ऐड ही करना है तो पहले पहले वाली टर्म लिख लेते हैं तो फाइव बाई स्क्वायर प्लस सेवन एक्स सी प्लस एट एफ जी प्लस का नाइन है ठीक है अब यहाँ पर है फोर एफ जी तो यहाँ लिख दिया हमने प्लस का फोर एफ जी प्लस का सिक्स एक्स सी यहाँ पर लिख दिया प्लस का सिक्स एक्स सी ठीक है और माइनस का एट है सिर्फ तीन ही है इसमें यहाँ नहीं है तो जीरो लगा दिया है ठीक है यहाँ पर प्लस का साइन लगा दीजिएगा यहाँ पर भी प्लस का साइन लगाया अब हम इसको क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं यहाँ पर देखो प्लस एट माइनस प्लस नाइन माइनस एट प्लस का वन बचेगा एट प्लस फोर कितना हो जाएगा ट्वेल्व और यहाँ पर आ जाएगा एफ जी ठीक है सेवन प्लस सिक्स कितना आ जाएगा थर्टीन यहाँ पर आ जाएगा एक्स सी और यहाँ पर माइनस का फाइव वाई स्क्वायर एस ही रहेगा क्लियर क्वेश्चन नंबर टू चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे तो यहां पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हम अपना इसमें आपको क्या करना है सबट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करना है मतलब फॉर्म के बाद वाला नंबर आपको पहले लिखना है तो पहले वही लिख लू मैं फोर वाई स्क्वायर ये माइनस का है ठीक है अब यहां पर लिखा प्लस का फोर प्लस का थ्री एफ जी माइनस का सेवन ठीक है अब ये वाले टर्म लिखते हैं तो यहां पर आ जाएगा नाइन वाई स्क्वायर का XC, प्लस का नाइन एक्स सी प्लस का सेवन एफ जी प्लस का नाइन ठीक है अब यहाँ पर याद रखना सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे तो साइन चेंज करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे देखो ये प्लस था तो माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ठीक है साइन तो चेंज हो गए अब ये जो साइन चेंज किए हैं ये इस वाले टर्म के हो गए हैं सारे इस एक्सप्रेशन के तो माइनस सेवन है और आपके पास है माइनस का नाइन तो माइनस का सिक्सटीन आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर प्लस का थ्री एफ जी है और माइनस का सेवन एफ जी है तो माइनस का फोर एफ जी आ जाएगा ठीक है प्लस का फोर एक्सी है आपके पास यहाँ पर और माइनस का नाइन एक्स सी है तो माइनस का फाइव एक्सी आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर माइनस का फोर वाई स्क्वायर है और माइनस का ही नाइन वाई स्क्वायर है तो नाइन में अगर आप फोर प्लस करोगे थर्टीन आएगा लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन लगता है माइनस का माइनस थर्टीन वाई स्क्वायर आ जाएगा क्लियर ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे इसमें भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो चलो यहां पर देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करना है यहां पर पहले हमने ये वाली टर्म लिखनी है तो यहाँ पर लिखा मैंने फोर ए बी सी माइनस थ्री एक्स वाई जेड प्लस नाइन एफ जी एच ठीक है अब यहाँ पर ए बी सी प्लस का एक्स वाई जेड है और माइनस का एफ जी एच है ठीक है साइन चेंज करें चलो यहाँ पर करते हैं हम साइन चेंज तो यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो, हो जाएगा ठीक है अब सॉल्व करते हैं नाइन एफ़ जी एच में इसके आगे कुछ नहीं है तो वन लगा सकते हैं वन एफ जी एच प्लस करेंगे तो टेन एफ जी एच आ जाएगा ठीक है प्लस का आ जाएगा अब यहाँ पर माइनस का थ्री एक्स वाई जेड है और यहाँ पर माइनस का ही वन एक्स वाई जेड है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन माइनस का लगेगा फोर एक्स वाई जेड ठीक है फोर ए बी सी है और यहाँ पर माइनस का वन ए बी सी है तो यहाँ बचेगा थ्री ए बी सी याद रखना जब वेरिएबल के आगे कुछ नहीं होता तो वन लगा होता है वो क्लियर तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फाइव पे उसमें आपको ऐड करना है क्वेश्चन नंबर फाइव में फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो अब आपको एडिशन और सब्ट्रेक्शन बहुत आसानी से आ गए होंगे सिर्फ लाइक like टर्म को ही लिखना है लाइक like टर्म के नीचे ठीक है चलो यहाँ पर देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर फाइव तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई जेड प्लस का सेवन वाई जेड प्लस का एट एक्स जेड अब इसके नीचे लिखा मैंने एट एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स वाई जेड प्लस का सेवन वाई जेड माइनस का नाइन एक्स जेड ठीक है प्लस करना है प्लस का साइन लगा लिया इसमें तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो एट में से नाइन जाएगा तो माइनस का वन एक्स जेड बचेगा सेवन प्लस सेवन फोर्टीन हो गया है ठीक है अब यहाँ पर नाइन में से थ्री जाएगा तो सिक्स बचेगा पर माइनस का बचेगा ठीक है ना उसके बाद देखा जाए तो एट प्लस वन नाइन हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर ये आपका आंसर क्लियर क्वेश्चन नंबर फाइव ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स पे जिसमें हमारे को सब्टेक्ट करना है फिर हमारा ये आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे तो सबसे पहले सब करना है तो फोर ए बी सी माइनस का थ्री ए बी प्लस का नाइन बी सी आ गया ठीक है अब यहाँ पर ए बी है तो ए बी के नीचे ही मैंने ए बी वाली टर्म लिखी बी सी के नीचे प्लस लगा के बी सी वाली टर्म लिख दी इसके आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस का साइन है माइनस का ए बी सी ये नाम देखो आगे पीछे दी थी बिल्कुल ध्यान से लिखना ठीक है अब यहाँ पर माइनस करते हैं साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा हमेशा जो नीचे वाली टर्म लिखी हुई है ना आपने उससे अपोजिट साइन है ठीक है ना चलिए सॉरी नाइन ए बी सी में से वन ए बी सी जाएगा माइनस होएगा तो एट ए बी सी बचेगा प्लस का ठीक है माइनस थ्री ए बी और माइनस वन ए बी तो कितना हो जाएगा माइनस का फोर ए बी फोर ए बी सी में से फोर ए बी सी में आप प्लस करोगे वन ए बी सी तो आपका आंसर आ जाएगा फाइव ए बी सी ये आपका आंसर यहाँ पर आगे माइनस का साइन लगा देना ठीक है आप नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा यहाँ तो प्लस वाले में ज़रूर लगाना क्लियर है तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्स तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा थैंक यू